हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 की पढ़ाई करेंगे और कक्षा 10 की 10 में मैथ के बुक में एक लेसन है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन क्यू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये एग्जाम में हमेशा आते रहता है, ये जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही आज हमारा कार्य जा रहा है। तो आज हमारा जो तरीका है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से कहा कि सॉल्व कीजिए, तब आपको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन लिखा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, तब आपको जो हम बताएंगे उसी तरीके से सॉल्व करना है। अब अगर क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ लिखा रहेगा हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो हम सॉल्व करने का 6 तरीका बताया है, ठीक है। ये आपका क्या है, तीसरा तरीका है, दो तरीका हम पहले बता के डाल चुके हैं, 6 तरीका होता है। तो आज तीसरा तरीका हम सीखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए आप हम 3 एग्जाम्पल लिए, तीनों अलग अलग टाइप का है, हमको पूरा विश्वास किया गया। 3 एग्जाम्पल क्या, पहला से दूसरा में जाते जाते हैं आप क्या करोगे, सीख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिख रहा है, x प्लस वाई बराबर 14। तो यहां लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन 1। आपका यही काम होता है, जितना भी बताया सब ऐसे बोल देते हैं कि इक्वेशन 1 मान लेना। दूसरा है x माइनस वाई इसके बराबर है 4, ये इक्वेशन 2। क्या अब हमको करना क्या है कि समीकरण x से किसी का भी वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे तो आप x का निकाल लो या फिर y का, जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे उसको वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लिखेंगे समीकरण x से, समीकरण x से हम चाहते हैं कि y का वैल्यू निकाल लें, तो सर क्यों x मान नहीं निकाल सकते, अरे y निकाल लो, लो x का निकाल लें, किससे निकाल लें, चलिए y का निकाल लेते हैं। y का निकालेंगे यहां तो 14 है, ये प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। आया समझ में, आप x का भी निकालते हैं ना तो प्लस में y इधर आता तो क्या हो जाता है, माइनस में y, तो बात तो वही रहता ना। तो आप जिसका मर्जी आप उसका वैल्यू निकाल लो जो आपको आसान लगता हो, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकला ना, ये वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण 2 में यहां लिखेंगे y का मान निकाले ना, देखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 ये है ना या x है, तो x लिख दीजिए, माइनस y है ना, y का कितना है 14 माइनस 6, ब्रैकेट में लिखिएगा 14 माइनस एक्स बराबर कितना है 4। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना आता है ना, ये एक्स का लिखेंगे एक्स माइनस प्लस माइनस 14 माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 4। अब क्या करेंगे, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ये साइड रखते हैं, बाकी को ये साइड, तो हमको एक्स वैल्यू निकालना है ना, यहाँ एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 2x होगा ना, आपको आता है ना जो बता एक्स वाला, नहीं आता तो मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल पर रहिए, ये सब वीडियो आपको बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, कैसे होता है ये वीडियो हम बना चुके हैं, यानी कि माइनस में 14 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में 14 क्या हो जाएगा, प्लस में। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए 2x 4 14 18, या 2 गुना में इधर आए तो क्या हो जाएगा, भागा में, तो 18/2 कट गया तो 9, एक्स का मान निकल गया ना। अब एक्स का मान आप समीकरण 1, 2 या 3 जिसमें आपको रखने की इच्छा हो उसमें रख लीजिए, आपकी मर्जी, जिसमें रखना है 1 में 2 में 3 में, जिसमें आपको रखना है रख लीजिए, हम तो रखेंगे 3 में। तो हम लिखिए एक्स का मान समीकरण 3 में रखने पर, एक्स का मान निकला ना, इसको आप किसी में भी रख दीजिए, इसमें इसमें इसमें, यही नियम है कि जब एक मान निकल जाएगा ना तो उसका मान किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। तो यहाँ वाई है तो वाई लिखेंगे वाई बराबर 14 माइनस एक्स, एक्स है 9, 14 में समान आगे कितना होगा 5। इस प्रकार से एक्स का मान आ गया 9 और वाई का मान आ गया 5,
ये आपका बनकर तैयार किया हो गया। थैंक्स सर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरे लिए इतना ही, आप सीख गए हो गए। क्या सीखना है? कुछ नहीं, ये जो करना है कि सर इसी से किसी एक का वैल्यू निकाल लेना, या तो एक्स का निकाल लीजिए या तो वाई का। अब एक वैल्यू जो निकला उसको क्या करेंगे, समीकरण दो में रख लेंगे। समीकरण दो में रखेंगे तो अपने आप एक आंसर आ जाएगा, एक आंसर लेते यहीं पर आ गया। जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, तीनों में से किसी में भी आप स्वतंत्र हो, तीनों में से किसी में भी आप रख सकते हो, है ना। तो तीनों में से किसी में रख लिए, हम इसमें रख लिए, इसमें वैल्यू रख लिए, तो वाई का भी मान निकल आया। इस तरह से दोनों वैल्यू निकल गए, तीनों आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो, है ना, आजाद देश के आजाद नागरिक, है ना। तो आप स्वतंत्र हो कि चाहे तो आप एक्स निकल सकते हो चाहे तो वाई, आपकी मर्जी। हमको मर्जी था वाई निकालने का, तो वाई निकाल। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा ये है, इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे, एट एक्स प्लस फाइव वाई बराबर नाइन। समीकरण नंबर वन, थ्री एक्स प्लस टू वाई बराबर फोर। समीकरण नंबर टू, क्या करना है काम, तो सर समीकरण वन से किसी का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण वन से, समीकरण वन से पहले आप डिसाइड कर लीजिए किसका वैल्यू निकालना चाहते हो, ऐसे नहीं चलेंगे। चलिए हम इस पर डिसाइड कर लेते हैं, हम इसे एक्स का मान करेंगे, किसका, एक्स का। तो ये इधर ही रह जाएगा, ये प्लस में है ना, इधर चला गया तो माइनस में हो जाएगा। अब यहां देखिए, आठ गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इधर जो लिखा हुआ था वही हम लिख दिए, हम कुछ नहीं चेंज किए हैं, जो है वो आपको लिख देना है, बस आठ गुना में आया तो भाग में। इक्वेशन नंबर कितना, थ्री। अभी एक्स का मान निकल गया तो कैसे कहते हैं, एक्स का मान जो भी निकलेगा वो क्या करेंगे, समीकरण दो में रखेंगे, है ना। तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण क्या, दो में रखने पर एक्स का मान आप समीकरण दो में रख दीजिए। तो समीकरण दो कौन है, ये ना, इसके बनाने जा रहे ना, ये बनाने जा रहे तो बन गया। तो समीकरण दो ही है, यहां पर थ्री एक्स है ना, एक्स यहाँ पर कितना आया मेरा, जो आया ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए उसमें भी हम ब्रैकेट में लिखे थे, लिखे थे ना, जो आया ब्रैकेट में लिखे, नाइन माइनस फाइव वाई बेटा आठ, फिर प्लस टू वाई बराबर चार, टू वाई बराबर चार। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करना था ना, क्या करते हैं, गुना करते हैं, तीन नौ सत्ताईस, तीन पच्चे पंद्रह वाई बटा आठ प्लस टू वाई बराबर चार। अब इसका भी तो जोड़ना पड़ेगा, क्या करेंगे, भी का जोड़ना, तो यहाँ पूछे तो क्या नीचे रहता है, एक रहता है, क्या रहता है, तो भी में जो घटा करेंगे तो आठ एक दल से बाहर, अब आठ से इस बाहर में यही रह जाएगा, मतलब एक ही ना हो जाएगा, एक से इसमें गुना करेंगे इतना ही रह जाएगा, यहाँ पर इतना लिख लेंगे, लिखिए ना प्लस एक से इसमें बाहर ही तो आठ, आठ गुना सोलह, इधर चार का चार। अब ये नहीं कि आपको पता होगा कि इधर नीचे भाग आ जाता है क्या, इसे गुना कर देते हैं, नहीं पता है, पता नहीं, इसे भाग में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, यहाँ पर बच गया सत्ताईस माइनस पंद्रह वाई प्लस सोलह वाई बराबर चार, ये भागा मिल गया तो गुना में। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो जो जिसका काम उनको नहीं करना फालतू की चीज उसको किधर ले जाते हैं, ये सर, जिसका वैल्यू निकालना उसको, ये सर, ये दोनों का वैल्यू निकालना है ना, ये दोनों में देखिए माइनस में ये प्लस में, तो अलग अलग साइन को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो सोलह में से पंद्रह जाएगा तो ए बड़ा ही कौन है, ये ना, तो साइन आगे प्लस बाई है तो बाई बराबर प्लस में जाएगा तो माइनस है, इधर है क्या चार रहते बत्तीस प्लस में जाएगा तो माइनस है। अब आपको पता है कि एक्स वाई सो रहा था उसके आगे आप लोग तो प्लस लिखते ना, वो लिखते आगे जब रहे तो बाई का मान आपने यहाँ पर निकाल लिया, क्या निकल बत्तीस सताईस जाएगा कितना हो जाएगा, बाई का निकल गया ना। अब जो बाई का मान निकल गया उसको क्या करेंगे, समीकरण तीन में रखेंगे, तो सर एक में दो में रख सकते हैं, हाँ आप रख सकते हो, तो हम रखेंगे समीकरण तीन में, यानी कि बाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, बाई का जो मान है ना आपको यहां पर रख देना है, क्या इसका होगा, एक्स एक्स बराबर नौ माइनस पांच वाई, पांच वाई की जगह पांच, जो मान अपना ब्रैकेट रखते हैं
इसको सॉल्व कीजिए, 9 माइनस 5 बचे 25, अब 9 में से 25 तो जाएगा नहीं, तो 25 में से 9 तो जाएगा ना, तो 16 बड़ा है माइनस 1/8, इस प्रकार से आपका x का मान निकल गया, क्या निकला 8 × 16 माइनस होना माइनस 2। अब y का मान पहले निकल चुके हैं, क्या निकल चुके हैं 5, ये आपका बन गया तैयार तैयार। इस प्रकार से क्या किया, इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इसको मिटाने के बाद बताएंगे, जगह तो है नहीं, तो इसको साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बनने के लिए तैयार है, आओ हमको बना लो, है ना, चलिए इसको बना लेते हैं। नहीं, अब ये बनने के लिए तैयार है, तो अभी इसको क्या करेंगे, जा रहा है इंतजार लेकर आगे, इसको हम बना लेते हैं कि लो भाई तुम भी बन जाओ। तो कैसे इसको सरल करेंगे, ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इक्वेशन 2, अभी आपको लिखा है ना, क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे, मान लिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। देखिए ये बड़ी खास क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए दशमलव वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब कभी कभी क्वेश्चन बटा में रहता है, भिन्न में, तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो ऐसे देखिए हम बताते हैं कैसे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या लिखा है, 0.2 ना, तो आपको पता है कि दशमलव बताते हैं तो नीचे क्या रहते हैं, यहाँ देखिए 2 लिखा है, 2u दशमलव बताने के दशमलव जगह पर नीचे 1 लिखते हैं, पता कि नहीं, अब दशमलव के बाद 1 आगे तो 10 प्लस, इसी प्रकार 10 यहाँ 3 लिए, 3 ले लीजिए, दशमलव के जगह पर नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव बाद कितने आप ये करते ना, तो 10 यहाँ लिखिए 1 3 लिख देंगे, यहाँ दशमलव हट जाएगा तो क्या होगा नीचे 1, इसके बाद इधर कितना, इधर देखें इधर इधर कितना, 1 0 हो गया ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, पहले क्या कि यहां से कोई किसी का मान निकालना है, यू या बी का, भी बताया था ना कि आपको जिसकी मर्जी उसका मान निकाल लीजिए, तो यू या बी का आपको मान निकालना है, उसे हम निकालते रहते हैं। तो सबसे पहले बी का जो मैं करते हैं, पता है कि नहीं, 10 सेल्सियस कितना हो जाएगा 10, फिर ऐसा ही रहता है 2u + 3b, यहाँ पर तो 13/10 होगा ना। अभी यहाँ पर करेंगे आगे सॉल्व, अब यहाँ देखिए भागम है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा, गुणम होगा, ये भागम है इधर जाए तो गुणम हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 2u + 3b, इधर पहले से 13/10, ये बट्टा में जब भी नीचे रहे ना तो ऊपर ही राम चल जाता है, और देखिए 10 10 कट गया, यहाँ बच गया 2u + 3b = 13। अब आप डिसाइड कीजिए कि किसका मान निकालना चाहते हो, यहाँ से U का या फिर भी का, आप जिसका मान निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम इसे U का निकालने जा रहे हैं, किसका निकालेंगे, U का, तो U का निकालेंगे, तो U को यहीं पर रख लेंगे, ये जो है इसको यहीं पर रख दीजिए, ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, यानी कि 2 गुना में है ना, इधर गया तो क्या हो जाएगा भागा में, इस तरह से इसको कर लिया, कर लिया। तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना, देखिए अब ये पता है कि बटा में रहेगा तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर बटा में रहेगा तो भी सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर 2 in 1 आपको बताया जा रहा है, 2 क्वेश्चन एक ही बार में, दशमलव वाला भी बताया जा रहा है और बटा वाला भी बताया जा रहा है, ठीक है, दशमलव वाला भी और बटा वाला भी बताया जा रहा है। तो इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 3। अब यू का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, यू का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, तो समीकरण 2 ये है ना, क्या लिख दीजिए, देखिए दशमलव है तो दशमलव को हटा देना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 1, दशमलव और 1 है तो 10, यू है ना, यू प्लस भी, पर देखिए यू का मान यहाँ पर आ चुका है ना, आया है ना, जब यू का मान आया तो क्या बोल रहे थे, यू का मान आपको दे देना है सर ब्रैकेट में, क्या लिखा हुआ 13 − 3b/2, ये दिया हुआ है ना, प्लस 5 की जगह 5 लिखेंगे, सर दशमलव नहीं लिखे, अरे दशमलव हटा रहे हैं, दशमलव जगह 1 नीचे भी लिखेंगे, अब दशमलव बाद 1 करके तो 10, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर 23 है तो 23 लिख देंगे, बट्टा यहाँ दशमलव हटा दिए तो 1, इधर 1 करके तो 10 को दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, अब कुछ रहा नहीं सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से 4 कटेगा कितना बार में, 2 बार में ना, अब 2 से गुणा कीजिए 13 ×
छब्बीस माइनस तीन दूनी छह भी नीचे दस है ना सर, दो से दस तो कट रहा पांच में। हाँ काट सकते हो, नहीं भी काटोगे कोई दिक्कत नहीं, आगे कट जाएगा अपने आप। यहाँ पर क्या है फाइव बी बटा दस है ना, तेईस बटा दस। अब इसको बी पर जोर रखो, आता नहीं मेरे जोर रखो ना, तो दस दस से तो दस ही रह जाएगा। करेंगे तो ये जो इससे था वैसा ही रह जाएगा, ये भी जैसे था वैसे ही रह जाएगा, फिर जैसे था वैसा ही। अब इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट में से हटा दीजिए। अब यार कि भागा में ना, ये भागा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। आपको ये सब पता होना चाहिए कि इस तरीके जब भागा में रहे नीचे रहे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में ऊपर हो जाएगा। और ये दस से दस कर लिया, हमको जिसका मान निकाला, ये लोग मान निकाला है ना, ये लोग काम यहाँ पर कर लेंगे। देखिए यहाँ माइनस या प्लस है, अलग अलग साइन तो घटा देते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ जोड़ देखिए, जोड़ दीजिएगा छह पांच ग्यारह तो गलत हो जाएगा। यहाँ जोर देखते जोर नहीं देना है, छह पांच ग्यारह बहुत बच्चे यही करते हैं। आपको करना क्या है, यानी कि ये माइनस में ये प्लस में अलग अलग साइन तो घटा देंगे, तो छह में से पांच जाएगा तो एक होगा। अब ये तो भी बड़ा दोनों कौन है, ये तीसरा साइन है माइनस, क्यों ना अगला बच्चा कितना तेईस, ये प्लस में है ना, देखिए प्लस में आगे कुछ नहीं तो प्लस दिखाया तो हो जाएगा माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम थोड़े पहले बताए थे कि प्लस रहता है तो उसको नहीं भी लिखते हैं, लेकिन माइनस को लिखना जरूरी होता है। माइनस लिखिएगा, वन को नहीं लिखेंगे, वन रख लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ इधर बचिए तो आपका माइनस ही, इधर छब्बीस में से तेईस जाएगा तो कितना हो जाएगा तीन, बड़ा ये है ना इसको साइन हो जाएगा माइनस। अब हम भी बताए थे थोड़ी देर पहले कि जब भी इधर माइनस रहती है इधर उल्टा हो जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और नहीं तो दूसरा का वृद्धि कैसे काट दीजिएगा। लेकिन काटने वाला कोई नियम नहीं होता है, लेकिन बच्चों को सिखाने के बोल जाता है कि क्या करते हैं माइनस माइनस काट देते हैं। तो भी ब्रम कितना आ गया, तो भी का मान निकल आया। अब भी का मान आप वन में रखिए, टू में रखिए, थ्री में रखिए, जिसमें रखने की मर्जी आप उसमें रख सकते हो। हम किस में रखेंगे, थ्री में, थ्री में रखना आपको ईजी लग रहा है, किसी लिखेंगे भी का मान समीकरण ती में रखने पर भी का मान सिर्फ तीन में रखेंगे, यू है तो यहाँ यू बराबर तेरह माइनस थ्री भी ना भी कितना तीन बटा दो, सॉल्व कीजिए तेरह माइनस तीन की आई नौ बटा दो, तेरह में समझ आया तो चार बटा दो कट गया तो दो, ये किसका मान निकला यू का ना, तो लिखेंगे इसलिए यू का मान है टू, भी का मान कितना आया था थ्री। इस प्रकार से बनाकर रेडी हुए, तैयार हुए, बन गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि के द्वारा बना सकते हो। अब अगले वीडियो में आएंगे इसका अगला पार्ट लेकर, तो आज के लिए नहीं रहने देते हैं ना, थक गए।